यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर बेहद सख्त हो गई है। आजम पर योगी सरकार ने कानूनी शिकंजा कस दिया है। अब आजम द्वारा बनवाए गए गाजियाबाद और लखनऊ हज हाउस के निर्माण कार्यों की जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक इन निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां हुई थीं। जांच में इसका खुलासा किया जाएगा। वहीं मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की तरह ही आजम खान की बहन के नाम लखनऊ में आवंटित 6000 फीट के बंगले का आवंटन योगी सरकार रद्द करने जा रही है। इतना ही नहीं, रामपुर प्रशासन ने भी आजम खान पर कार्रवाई तेज कर दी है। अदालत से कई मामलों में जमानत मिलने के बावजूद आजम खान की रिहाई अभी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। आजम खान ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार और करीबियों पर एक बार फिर रामपुर पुलिस का शिकंजा कसने जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित किसानों की जमीनों पर कब्जा करने के 27 मामलों में रामपुर पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे सहित परिवार के कई करीबी लोग शामिल हैं। इन 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने 27 मामलों को लेकर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस बारे में हमारे संवाददाता ने अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि किसानों की जमीनें हथियाने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अब आप खुद सुनिए क्या कहते हैं अरुण कुमार सिंह। रामपुर पुलिस ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में जो किसानों की जमीनें ली गई थी, उससे संबंधित मुकदमों में 27 मुकदमों में आरोप पत्र प्रेषित किया है। ये आरोप पत्र जौहर विश्वविद्यालय के जो ट्रस्टी लोग हैं, उन 9 लोगों के खिलाफ आज माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है। इनमें मुख्य रूप से श्रीमती तंजीम फातिमा, श्री नसीर अहमद जो कि दोनों विधानसभा के सदस्य हैं, अब्दुल्ला आजम खां, उनके भाई अदीब आजम खां और कुछ अन्य लोग हैं। इस तरह से 9 लोगों के खिलाफ 27 मुकदमों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है। एक मुकदमा जिसमें कोतवाली पुलिस ने भी आरोप पत्र प्रेषित किया है 4 लोगों के खिलाफ, उसमें उन्होंने नगर पालिका से कुछ दस्तावेजों में हेराफेरी करके प्रमाण पत्र कहीं प्रस्तुत किया था, उस आधार पर ये कायम था। उसमें भी साक्ष्य के आधार पर 4 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। इस तरह से आज 28 मामलों में माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पीएम जन कल्याण योजना के तहत अल्पसंख्यक विभाग में कराए गए कार्यों की जांच SIT से कराने के आदेश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार को पता चला है कि इस विभाग में गड़बड़ियां हुई थीं, जिसके चलते जांच कराने का फैसला किया गया। इस विशेष जांच में लखनऊ और गाजियाबाद में हज हाउस के निर्माण की भी जांच कराई जाएगी। बता दें कि इसी साल फरवरी में प्रशासन ने गाजियाबाद में बने हज हाउस को NGT के आदेश पर सील कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, इस वजह से इससे निकलने वाला पानी हिंडन नदी के पानी को गंदा कर रहा था। इससे पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगस्त महीने के आखिरी दिनों में आजम खान के हम सफर रिजोर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सपा सांसद को 15 दिनों के अंदर स्वयं अवैध निर्माण को ध्वस्त करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो रिजोर्ट को प्रशासन तोड़ देगा और हर्जाना आजम से वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की नजर आजम खान ही नहीं, उनके करीबी रिश्तेदारों पर भी है। योगी सरकार अब आजम खान की बहन निकहत अफलाक के नाम से आवंटित बंगले को रद्द करने की तैयारी कर रही है। ये बंगला लखनऊ की पावर बैंक कॉलोनी में है। आरोप है कि 6000 स्क्वायर फीट का ये बंगला 13 साल पहले सपा सरकार में गैर कानूनी तरीके से निकट को आवंटित किया गया था। इसमें फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे। इस आवंटन के खिलाफ रामपुर की ही एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लखनऊ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम ने बंगले पर नोटिस चस्पा कर दिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।